कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, चित्त गहरा श्वास। शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन दाता सद्मार्ग दाता मेरे सतगुरु श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास दो हजार अठारह के निमित्त इस गौड़वाड भवन बेंगलोर में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की भावधारा में कई दिनों से
हम गोते लगा रहे हैं। बड़ा ही भावपूर्ण काव्य है ये। काव्य भी क्यों कहूं, महाकाव्य है ये। ऐसा लगता है जैसे आगम सागर को मेरी भावना की गागर में मेरे जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर ने समेट करके रख दिया, समाहित कर दिया। ये महाकाव्य भी है और महामंत्र भी है। अगर हम एक बार प्रतिदिन मेरी भावना की गहराई में डुबकी लगाते चले जाएं, इसको बोलते हुए, इसको चितारते हुए, इसका उच्चारण करते हुए एक बार भी अगर हम अपने आचरण पर दृष्टिपात करते चले जाएं, हमारे उच्चारण में हमारे आचरण में कितना फर्क है, कितना अंतर है, यह देखते हुए चले जाएं, तो जीवन में स्वयं एक बदलाव आ जाएगा। जो मंत्रों के चमत्कार होते हैं वो चमत्कार हमारे जीवन में घटित होगा। बाहर के मंत्र तो दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये वो महामंत्र है जो हमारे स्वयं के जीवन पर प्रभाव डालता है। जो हमें अपने तरीके से भावनाओं के आधार पर संभलने की प्रेरणा देता है। बस फर्क इतना है कि जैसे हम और पाठ रटते हैं या पढ़ते हैं, इस मेरी भावना को उस तरीके से ना पढ़ें, इस भावना को ऐसे पढ़ें जैसे ये मेरी भावना है, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि जैन साहित्य में गुरुओं की महिमा गाने वाले गीत बहुत हैं, प्रभु की प्रार्थना में रचे हुए स्तोत्र भी बहुत हैं, लेकिन स्वयं की भावना का दिग्दर्शन कराने वाली एकमात्र ये भावना है, मेरी भावना। इसमें किसी की प्रशंसा, किसी का गुणानुवाद नहीं है, इसमें तो अपनी ही भावना के दर्शन होते हैं। और इस भावना के आधार पर हमें मीठे मीठे मशविरे मिलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सलाहें मिलती हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं जब हम इसको पढ़ते हैं। यानी हम अपनी भावना को देखते देखते जाएं और स्वयं को प्रेरित करते जाएं। ये जादू है इस मेरी भावना का। आपने 6 पदों पर चर्चा सुन ली, आज 7वें पद पर चर्चा करते हैं। ये भी बड़ा गजब के पद है, 7वां पद। बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ पद है ये। पहले उच्चारण कर लें। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कोई कैसा है भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कितनी सुंदर सलाह है इस आत्मा को ऊंचाई देने के लिए, कितना खूबसूरत मशविरा है स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को संभालने के लिए और स्वयं को संवारने के लिए। क्योंकि इन पदों में गौर करना, आप तो क्या अच्छे अच्छे संत और महात्मा भी ऐसे प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कैसा ही भय लालचिया देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्योंकि दोनों का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, कोई बुरा कहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है और कोई हमको भला कहता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और कोई हमारी निंदा करता है तो भी प्रभाव पड़ता है। यानी हम शब्दों से प्रभावित तो होते हैं, दूसरा क्या कमेंट्स पास कर रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। और पड़ता ही नहीं है बल्कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो दूसरा हमें मानता है वो हम खुद भी अपने आप को मानने लग जाते। देखिए क्या गजब का प्रभाव है सामने वाले का, कि किसी ने हमको बुरा कहा, 10 जनों ने हमको बुरा कहा तो धीरे धीरे हम अपने को बुरा ही मानने लग जाते हैं, और कभी कभी 10 आदमी हमें अच्छा कहते हैं तो हम अपने आप को अच्छा मानने लग जाते हैं, जबकि हम ये नहीं सोच पाते कि भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये, मेरा स्वयं का लेखा जोखा है ये, मैं कहाँ भटक रहा हूं, मैं दूसरों की बातों से इतना प्रभावित क्यों होता हूं। तेरा खुद का भी तो कोई जमीर होगा, तेरी खुद की भी तो कोई दृष्टि होगी, तेरी नजर भी तो खुद की होगी अपने को देखने की, कब तक दूसरों के प्रमाण पत्र लेकर के जिंदगी जियोगे तुम। दूसरा तुम्हें संत माने तो तुम अपने को संत मानने लग जाओ, दूसरा तुम्हें दुष्ट माने तो अपने आप को दुष्ट मानने लग जाओ। क्योंकि इसका एक और प्रभाव पड़ता है कि दूसरा बुरा कहता है तो हमें क्रोध आता है और दूसरा हमें अच्छा कहता है तो अभिमान आता है। अब बीमारी दोनों ही है, बीमारी दोनों ही है कि कोई बुरा कहे तो हम तिल मिला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझको बुरा क्यों कहा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस तरह बुरा कहने वाले पर आपको क्रोध आता है तो अगर तुम्हें कोई अच्छा कह रहा है तब भी तो क्रोध आना चाहिए। नहीं जी, जो बुरा कह रहा है ये इसकी गलतफहमी है,
जब ये अच्छा कहता है तभी ये सही बोलता है, जब ये अच्छा कहता है तभी ये अपने अंदर मेरा सही मूल्यांकन कर रहा है। तो इसके अंदर आप समझना ये क्यों बोला गया, ये इसलिए बोला गया, ये भी मेरी भावना में इस चीज को स्थान दिया जुगल किशोर मुख्तियार ने, क्योंकि दूसरों के कमेंट्स हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, बल्कि यूं कहूं कि हमारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, दूसरों के कमेंट्स हमें परतंत्र बना देते हैं, दूसरे के अधीन बना देते हैं। किसी के कहने पर क्रोध आने लग जाए, किसी के कहने पर छाती फूलने लग जाए, तो इसका मतलब दूसरा महत्वपूर्ण है, आपका खुद का तो कोई व्यक्तित्व रहा नहीं, तुम्हारी खुद की स्वयं की तो कोई चेतना रही रही नहीं, स्वयं की तो कोई समझ रही नहीं, यानी पूरी तरह डिपेंड दूसरे के ऊपर, जो वो कहे वो मैं नहीं। कभी दूसरों की कमेंट्स से अपने आप को ऊपर उठा करके रखना, इसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरों की सलाहें और दूसरों की बातें अगर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी तो तुम कभी भी अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाओगे, तुम स्वयं स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी पाओगे, तुम मान्यताओं से बन जाओगे, ये भी एक बेड़ी है, ये भी एक बंधन है। और एक बात आपको कह देता हूं, इस संसार के अंदर एक चीज कर लेना जीवन में, क्योंकि आदमी की एक खासियत कहूं या कमजोरी कहूं, कुछ भी समझ लीजिए, हम सबका एक भाव होता है या एक सोच होती है कि मैंने दूसरे को बदलना है, और आपको अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, अगर आप दूसरे को बदलने चलोगे तो शायद तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। दूसरे पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मुझे तो इतिहास के अंदर भी मुझे तो कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं कि सामने वाले पूरी तरह हमारे अनुकूल हो, पूरी तरह, यानी हम पूरी तरह सामने वाले को स्वीकार हो, यह कोई जरूरी नहीं है। और दूसरों के अनुकूल जीने की कितनी भी चेष्टा करो, आप कभी भी दूसरों को अपने अनुकूल नहीं कर पाओगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई शिकायत तुमसे रहने वाली है। यानी मैं ये सोचूं कि मैं सबके अनुकूल जीऊंगा, जो जैसा कहेगा मैं वैसे ही कर लूंगा, जो जैसा कहेगा मैं वैसे ही चल लूंगा, मैं दुनिया को खुश रखूंगा, अरे नहीं रख पाओगे बाबा। धार्मिक जगत में सबसे बड़ा नेता कौन है बताओ, आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा नेता कौन है, आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा नेता है तीर्थंकर, इससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। एक आध्यात्मिक जगत है और एक ये भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत यानी धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा कोई नेता है, सबसे ऊंचा कोई है, तो वो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं, जिन्होंने तीर्थ की रचना की है, इसलिए वो तीर्थंकर हैं, सबसे ऊंचे हैं वो। तीर्थंकर भी सबको अपने अनुकूल नहीं कर सकता, जिनके अंदर अनंत मैत्री है, अनंत पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी आत्मिक संपदा के मालिक है वो तो दुनिया को सब सारी दुनिया को अपना मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया उनको माने
इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये तो भगवान के दरबार में घटित होने वाली घटनाएं भी हैं। जिसको प्रेरणा देकर के गौतम स्वामी लाए और साधु बनाकर के लाए, भगवान के दरबार में पहुंचते ही, भगवान का चेहरा देखते ही क्रोध में पागल हो गया और बाना छोड़ के भाग गया, ऊपर से गालियां देते हुए, भगवान को गालियां देते हुए, क्योंकि पुराना वैर भाव याद आ गया। यानी हम अपनी जिंदगी में सभी को अपने अनुकूल कर पाए, इसमें हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा नेता तीर्थंकर होता है, और भौतिक जगत में सबसे बड़ा सम्राट कौन होता है? चक्रवर्ती, क्योंकि छह खंड का मालिक होता है, छह खंड का मालिक। यानी भौतिक जगत में सबसे बड़ा कोई सम्राट है, इस धरती पर कोई सबसे बड़ा सम्राट है, वो होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती भी सभी को अपने अनुकूल नहीं कर सकता। कि सभी चक्रवर्ती से खुश हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो ही नहीं सकता जी। ये जीवन के अंदर है, घर के अंदर। चलो आध्यात्मिक जगत छोड़ दो, भौतिक जगत छोड़ दो, आप अपने घर के अंदर केवल 10 जने ही हैं। 10ों के 10 आपके अनुकूल हो मन वचन और काया से, इसकी कोई गारंटी है क्या? तुम्हारे प्रति पूरी तरह आप सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, आप सभी को स्वीकार हो, ये जरूरी? ठीक है, शर्मा शर्मी लोग मान लेते हैं, लेकिन पूरी तरह स्वीकार हो? नो, ऐसा नहीं है। तब भगवान महावीर ने एक फार्मूला दिया कि जीवन में दूसरों को बदलने के अंदर तुम चलोगे तो शायद सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, एक बात में तुम सफल हो सकते हो, अगर पूरी ईमानदारी से तुम अपने को बदलने में लग गए तो इसमें तुम सफल हो सकते हो। क्योंकि दूसरा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम स्वयं अपने हाथ में हो। तुम अपने आप को बदलना चाहो तो बदल सकते हो। तो प्रयास करना चाहिए दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलने की। दूसरे को संभलने की प्रेरणा दें, उससे अच्छा है स्वयं को संभलने की प्रेरणा दें, और स्वयं को संभल करके दिखाएं, संभाल करके दिखाएं। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। एक बात आपको कहता हूं, दो नजरें होती हैं, एक नजर खुद की और एक नजर दूसरों की। अगर तुम चल सकते तो एक चीज में चलना, कि दूसरों की नजर में मैं अच्छा हूं या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपनी नजर में अच्छा हूं या नहीं इसका विवेक मेरे पास है। और मैंने तो एक बात और पढ़ी है, अनुभवी ने बोली है, कि दूसरों की नजरों में चढ़ोगे तो कभी भी गिर सकते हो, दूसरों की नजरों से चढ़ोगे तो कभी भी गिर सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपनी नजर में गिर गए फिर कभी भी ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। यानी नजर अपनी ही रखो। अगर मैं अपनी नजर में ठीक हूं, मेरे दिल में कोई बेईमानापन नहीं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं, किसी का बुरा करने का कोई भाव नहीं, उसके बावजूद भी कोई मुझे बुरा समझे तो समझने दो, फिर समझने दो, फिर दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं। जब मैं अपने अंदर से बुरा हूं ही नहीं, मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं और ना ही बुरा करने का कोई भाव रखता हूं, और लोग फिर भी मुझे बुरा कहते तो कहने दो, फिर मुझको गुस्सा करने की जरूरत क्या है, दूसरे को खुश करने की जरूरत क्या है, या दूसरे की टिप्पणियों पर अपना इतना ध्यान देने की जरूरत क्या है? क्योंकि लोग कहने से बाज नहीं आते। कहते कि एक सेठ ने दानशाला खोली और सेठ दोनों हाथों से दान दे रहा है,
और लेने वाले ले रहे हैं, लाइन लग गई, बेचारा दिल खोल करके दान दे रहा है, दोनों हाथों से दे रहा है, लेकिन कहने वालों ने कहा बनता है दानवीर, अगर इतना ही दान देने का शौक था तो थाली भर भर के देना चाहिए था, क्या हाथों से दिए जा रहा है। अब लो जी, अब बोलने वाले को कैसे रोक लोगे आप, वो बेचारा दोनों हाथों से दे रहा है और बोलने वाला क्या बोल रहा है, जब देने का इतना ही शौक है तो थाली भर भर के देना चाहिए, क्या हाथों से दिए जा रहा है। यानी आपके अंदर कमियां निकालने वाले बहुत मिलने वाले हैं। कब तक किस किस की बातों पर ध्यान दोगे आप, किन किन की बातों पर गौर करोगे आप? जितना ध्यान तुम दूसरों की बातों पर दे रहे हो उतना ध्यान आप अपने जमीर पर दीजिए। मैं चाहे थोड़ा करूं ज्यादा करूं, अगर मैं दिल से कर रहा हूं तो फिर मुझे दूसरों की बातों पर गौर करनी नहीं चाहिए, दूसरों की टिप्पणी, क्योंकि दूसरों की टिप्पणियों पर वही ध्यान देते हैं जो दूसरों के गुलाम होते हैं। ये भी एक गुलामिता है, सच कह रहा हूं, ये भी एक गुलामिता है, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है कि दूसरा चाहे हमें रुला दे, दूसरा चाहे हमें हंसा दे, दूसरा चाहे तो क्रोध दिला दे, दूसरा चाहे तो पानी गिरा दे, फिर तुम्हारा क्या वजूद है, तुम्हारा क्या अस्तित्व रह गया? यानी आपने अपने अस्तित्व को दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिया, जो चाहे जब चाहे हंसा दे, जब चाहे, क्यों दूसरों के हाथ की कठपुतली बन रहे हो? कब तक तुम दूसरों के अनुसार चलते रहोगे, कब तक चलोगे? और कितना भी चल लो तुम ये सोचो कि मैं दूसरों को खुश कर दूंगा, कभी भी संभावना नहीं है। बस ये सोचना है कि मेरी जिंदगी में तो कोई बुराई नहीं है ना, अगर मेरी जिंदगी में कोई बुराई नहीं है तो किसी के बुरे कहने से मैं बुरा नहीं बन जाऊंगा, अगर मेरी जिंदगी में कोई बुराई है तो किसी के भला कहने से मैं भला नहीं बन जाऊंगा, दूसरे कहने से मैं भला बनने वाला नहीं, दूसरे के कहने से बुरा बनने वाला नहीं। अगर मेरे अंदर बुराइयां हैं, लोग कितने भी, क्योंकि चापलूस लोग बुरे लोगों को भी अच्छा कहते रहते हैं, जो चापलूस होते हैं, बॉस में कितनी भी गलतियां हों तो भी उन गलतियों के ऊपर मुलम्मा चढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कभी कभी लगता है मुझे दुश्मन तो ऐब गिना करके हमें सचेत कर देता है, लेकिन उन्हीं ऐबों को दोस्त शोक बता करके हमें गिरा देते हैं। ये तो बड़े लोगों के शोक हुआ करते हैं जी, आप देखिए जरा, चमचों के बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों को इतना महत्व देना नहीं चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए अगर मेरे अंदर बुरा है, और आप अच्छे हो या बुरे हो आपसे ज्यादा कोई दूसरा जान सकता है क्या? जितने आप अपने आप को जान सकते हो मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, जितना तुम्हें पता अपने बारे में, दूसरा तुम्हारे बारे में अनुमान लगा सकता है, लेकिन आप अपने बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। आपको पता है मैं कैसा हूं, मैं अंदर से कैसा हूं, आप बोलते ना बातचीत में, या तो भाई मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है, यानी दो जने जानते, या तो सर्वज्ञ जानता है या मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, दूसरा मुझे नहीं जान सकता। तो आप कैसे हो अंदर से, ये महत्वपूर्ण है। तो पहला एक निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के बुरा कहते ही अगर आपको क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब आप अपने नियंत्रण में नहीं हो। दूसरों की बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन गई है कि दूसरे के बुरा कहते आपको क्रोध आ गया है, इसका मतलब आपके अंदर एक भाव है कि आप सामने वाले से अपने लिए केवल अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हो। और यहां तक और भी एक व्यसन बन जाता, बुरे होते हुए भी हम दूसरों से अच्छा सुनना चाहते हैं, कोई हमें कमी बताता है, हमारी कमी बताता है तो उसके ऊपर क्रोध आता है, जबकि हमें वो उपकारी दृष्टि से नजर आना चाहिए। क्योंकि आपने इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि दर्पण अगर तुम्हारे चेहरे पर कुछ कमी है, बाल उखड़े पुखड़े पड़े हैं, अनसुलझे पड़े हैं, आप उनको देख करके सुलझाते हो, आपको दर्पण ये बतला देता है कि भैया तेरा ये बटन छोटा बड़ा हो रहा है, जरा देख ले,
तेरी ये चीज तुझे जच नहीं रही है, तू ये चेंज करके देख ले। दर्पण के कहने से आपको अपनी कमी का पता चल गया, तो कमी का पता लगने के बाद आप दर्पण को क्या कहते हो? थैंक यू कि कम से कम मुझे पार्टी में जाने से पहले इस दर्पण ने मेरी कमी बता दी। ये ड्रेस में ये कमी है, ये दाग लगा हुआ है, मैंने जल्दी से पहन लिया था लेकिन दाग नहीं देख पाया, इस दर्पण ने मेरी दाग का पता लगा दिया। ये मैच नहीं खा रही है ड्रेस, इसने ये बता दिया। मेरे बाल ऐडे टेढ़े थे, ये बता दिया। मुझको पूरी तरह सजा करके भेजा है, मेरी कमियां निकाल करके मुझे बताई है, तो धन्यवाद दर्पण को देते हो आप। ऐसे ही अगर किसी ने कोई हमारी कमी बता दी, जो जरूरी कमी है, जो वास्तव में हमारे में कमी है, उस कमी को अगर किसी ने बता दिया तो उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उस पर प्यार आना चाहिए? सच बोलो, हमको कोई हमारी कमी कोई बताए हमको, तो उसके ऊपर हमें प्यार आना चाहिए या क्रोध आना चाहिए? लेकिन आता क्या है वो क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमें अच्छा अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। हमें कोई हमें सलाह देवे या सही बात बतावे हमें पसंद नहीं। हमारी जो ईगो है वो ये स्वीकार नहीं करती, यार कल का बंदा मुझे सलाह दे रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो मुझे मेरी औकात बता रहा है, मुझको सबक सिखा रहा है, ये दुनिया को मैं पढ़ाता हूं ये मुझे पढ़ा रहे, दुनिया को मैंने समझाया ये मुझे समझा रहे, इसकी औकात क्या जो मुझे समझाए? ये आपकी भाषा नहीं है, ये आपके अहंकार की भाषा है। अगर अंदर विनम्रता होती, अंदर सरलता होती, अंदर सहजता होती और अपनी कमियों को स्वीकार करने की इच्छा होती, तो सामने वाले का माथा चूम लेते आप कि कमाल है, मेरे पास इतना दिमाग होते हुए भी मेरी समझ में ये छोटी सी बात नहीं आई जो तेरे समझ में आ गई, शाबाश, धन्यवाद, ये विनम्रता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से भी लाभ उठा सकता है, दूसरों को भी दर्पण की तरह उपयोग कर सकता है, दूसरों की अच्छी बातों को भी गौर कर सकता है। पर लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक बात याद रखना कि मैं अगर अच्छा हूं तो कोई मुझे बुरा कहे तो मुझे उसका बुरा मानना नहीं चाहिए, कोई मुझे भला कहे बुरा होते हुए भी तो उनकी मीठी मीठी बातों के बहकाव में आना नहीं चाहिए। कोई झूठी तस्वीर मेरी पेश कर रहा है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर 60-60 साल के बूढ़े बुढ़िया अपनी बचपन और जवानी की फोटो लगा करके रखते हैं। मैंने कभी पूछ लिया कि भैया फोटो में तो आप जवान लग रहे हो, नहीं नहीं महाराज वो बचपन की याद है। तो मैं बोला कि बचपन की कितनी भी याद कर, तू बचपन में तो आएगो नहीं, तू चाहे अपनी जवानी की कितनी भी तस्वीर लगा, तू जवान तो होने वाला है नहीं, कम से कम अपनी झुरियों वाला फोटो लगा ले, कभी समझ में तो आ जाए, कभी होश तो आ जाए, कभी इतराने का दिल करे तो झुरिया नजर आ जाए, तो तेरा नशा तो उतर जाए, समझ में तो आ जाए कि अब झुरिया पड़ गई है, गड्ढे पड़ गए हैं, मैं दूसरों को गड्ढे में डालने का कोई प्रयास तो ना करूं, दूसरों को बहकाने का कोई प्रयास तो ना करूं, मैं अब तो संभलने का वक्त आ गया है। पर लेकिन कोई संभलना ही नहीं चाहता, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं तो लोग उसके ऊपर खिजाब लगाते रहते हैं, भाई काला कर दूं मैं बालों को, नजर आने चाहिए बाल बढ़िया जैसे जवानी में थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बाल इतने काले होते हैं या काले करके रखते हैं, बेचारे जवानों के भी बाल धोखा खा जाए। मैंने कहा भाई कमाल है जी, इतने तो जवानों के भी बाल काले नजर नहीं आते जितने आपके हैं। जी बड़ी कृपा है जी आपकी, आपकी मेहरबानी है, ये दुनिया का फायदा उठा रहा हूं, अगर दुनिया में ऐसा। तो मैंने कहा कि तुमको इतना चस्का कहां से पड़ गया? मैंने कहा जी महाराज जी क्या करूं, शरीर तो बूढ़ा हुआ है, ये दिल तो बूढ़ा नहीं हुआ ना, ये तो अभी भी चाहता मैं जवान बना रहा हूं। कब तक, कब तक, कब तक रहोगे बहकाव में? यहां पर ही संभलना है,
कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्योंकि ये बातें, लक्ष्मी का आना बड़ा अच्छा लगता है, उसका जाना अच्छा नहीं लगता। जैसे किसी का बुरा कहना अच्छा नहीं लगता, किसी का भला कहना बुरा नहीं लगता, इसी प्रकार लक्ष्मी का आना भी बुरा नहीं लगता और उसका जाना भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये हमारे उत्तेजनात्मक क्षण होते हैं, इनमें हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, बैलेंस्ड ऑफ माइंड हम नहीं रह पाते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। और भगवान महावीर का धर्म है कि अगर तुम्हें बैलेंस्ड रहना है, संयमित रहना है, तो आपको इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभाव में रखना होगा, तभी तुम आत्म जगत में, अध्यात्म जगत में प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा भटकते ही रहोगे या भटकाते ही रहोगे। बाकी की चर्चा फिर करेंगे। आइए, एक ऐसा चरित्र जो लाखों साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक जिंदा है, धर्म न दोजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग शनिवार के दिन राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में सुन रहे थे कि ऊपर वाले देवता ने नीचे आकर के अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है, और उस जाल में किसको फंसाने की चेष्टा कर रहा है? राजा हरिश्चंद्र को। क्योंकि याद कर लेना, जाल वही फैलाया करते हैं जो षड्यंत्रकारी होते हैं, षड्यंत्रकारियों को ही जाल फैलाने का दिल आता है, चाह पैदा होती है।
जो धर्मात्मा होते हैं वो किसी को जाल से निकालने की तो कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी को जाल में डालने की कोशिश नहीं करता है। पूरा षड्यंत्र रच दिया है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, कभी याद हो, कि जब आदमी में अहंकार पैदा होता है तो विरोध का जन्म होता है। विरोध यानी किसी की बात का विरोध करना, किसी की सही बात का भी विरोध करना, ये अहंकार से पैदा होता है। और किसी के प्रति जो ईर्ष्या पैदा होती है वो किस चीज से पैदा होती है? विरोध तो अहंकार से पैदा होती है, होता है, और ईर्ष्या हीनता से पैदा होती है, आत्महीनता, अपने को छोटा समझ लेना, उससे ईर्ष्या का जन्म होता है। दूसरे के सामने अपने को छोटा मान लेना, हीन समझ लेना, मैं तो गिरा पड़ा हूं, यही सब चीज है, इसके जैसा मैं बन नहीं सकता, तो उस अवस्था के अंदर किस का जन्म होता है? ईर्ष्या का जन्म होता है। अब देवता होते हुए भी सत्यवादी तो बन नहीं सकता, सत्यवादी बनना तो उसकी बस की बात है नहीं, पर लेकिन ईर्ष्या ने एक चीज को जन्म दे दिया कि मैं सत्यवादी नहीं बन पाऊं, ना बन सकूं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे सत्यवादी को गिरा तो सकता हूं ना मैं अच्छा बन पाऊं ना बन पाऊं छोड़ो इस बात को, लेकिन किसी को बुरा तो बना सकता हूं ना मैं। ये पैदा हीन व्यक्तियों के अंदर पैदा होती है। और अप्सराएं विश्वामित्र की पुष्प वाटिका में घुस गई हैं, फूल तोड़ रही हैं, बिखेर रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं। दो चेले पास में आए, दो तो क्या तीन चार आए, कहा कि मेरी माताओं मेरी बहनों, इस आश्रम में महिलाओं के आने पर प्रतिबंध है और आपको इस आश्रम के अंदर आना नहीं चाहिए, जाओ, हमारे गुरुजी का बहुत प्रभाव है, बिचारों ने अच्छी सलाह दी। लेकिन जब खोपड़ी घूमी हुई हो तो किसी की अच्छी सलाह भी अच्छी नहीं लगती। उनका अपमान करके, उनकी खिल्लियां उड़ा करके कहा कि ओ जाओ अपना काम करो। बेचारे शर्माए, गुरु के पास आए, यहां तक आपने सुन। हंसी उड़ाने लगी बिचारे, शिष्य बड़े ही संकुचाए, समाधिस्थ गुरुवर ढिंग जाकर जोर जोर से चिल्लाए, गुरुजी ध्यान खोलो, उजड़ गई दुनिया। जब चिल्लाए ध्यान खोल कर ऋषि ने जो ही कथा सुनी, अथ से सारे आए क्रुद्ध क्षुब्ध हो त्यो ही, उपवन मध्य पर सुधारे, क्रोधित होकर कहा अप्सराओं से ये क्या करते हो, सिद्धाश्रम की मर्यादा का कुछ भी मान न करती हो, नहीं जानती ये आश्रम है विश्वामित्र मुनीश्वर का, आज कोप से जिसके कंपित बल विक्रम संस्कृति भर का, अबला तुमको जान क्षमा करता हूँ, शीघ्र चली जाओ, व्यर्थ कोप में पढ़कर मेरे क्यों असीम संकट पाओ। जब गुरुओं, जब विश्वामित्र को चेलों ने बताया कि गुरुजी उजड़ गई दुनिया, उनके क्या हो गया कि पता नहीं कहां से तीन महिलाएं अंदर घुस गई, पुष्प वाटिका को तबाह कर रही हैं, फूल तोड़ रही हैं, कहीं मसल रही हैं। आपको एक बात कहूं, कहते हैं फूलों को मसलने में क्या जाता है, फूलों को मसलने में किसका क्या बिगड़ता है, अगर हिम्मत है तो कांटों को मसल करके दिखाओ। यानी किसी भोले भाले इंसान को सताने में क्या जाता है, किसी दुष्ट को सता करके दिखाओ तब पता चले।
यानी फूलों को मसलना आसान है लेकिन कांटों को मसलना मुश्किल है। फूल कोमलता का प्रतीक है और कांटा तीक्ष्णता का प्रतीक है, कठोर लोगों का प्रतीक है। इसलिए भोले भाले लोगों को कोई भी बेवकूफ बना देता है, कोई भी सता देता है उनको, क्योंकि फूल की तरह है वो। पर लेकिन कमाल की बात है, फूल जो हाथ मसलता है ना, फूलों की एक और विशेषता देखी होगी आपने, फूल को कोई हाथों से भी मसलता है ना तो अपनी सुगंध भी मसलने वाले हाथों को दे देते हैं। ये खासियत किसकी है? फूलों की। कांटों को मसलोगे तो खुद का ही खून निकल आएगा। जैसी पता चला विश्वामित्र आउट ऑफ कंट्रोल, क्या आश्रम में औरतें महिलाएं? जी हमने कहा जाओ, हमको बल्कि हमारा मजाक बना दिया। चलो बैठो एक तरफ, मैं देखता हूं उनको। अजी उनके चलने का ढंग, हाथ में कमंडल और जिसके ऊपर हाथ रख करके ध्यान करते थे, एक हाथ में वो डंडा, लटाएं खुली हुई हैं, जटाएं खुली हुई हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, आंखें लाल, चेहरा गंभीर, दन दनाते हुए और तम तमाते हुए, पांव से दन दनाते हुए चल रहे हैं और चेहरे से तम तमाए हुए पहुंच गए। यही बोला था। इतना सुनते ही सारी धरती कांपने लगी। आखिर तपस्वी थे, सारी धरती कांपने लगी। क्या कर रही है ये तुम? तुम्हें पता नहीं ये पुष्प वाटिका किसकी है, ये आश्रम किसका है? शायद तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुमने ये भूल की है। ये आश्रम विश्वामित्र का है, जिसके कोप से तीनों लोग कांपते हैं, देवी देवता थर थर कांपते हैं। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, क्योंकि औरतों को दंड देना मेरा दिल नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारी करतूतों को देख करके मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अगर तुम अपनी हिफाजत चाहती हो, अपनी रक्षा चाहती हो, तो तुरंत निकल जाओ। जिस समय वो गुर्राए चिल्लाए, एक बार तो अप्सराओं की धड़कनें थम सी गई, शरीर कांपने लगा, लेकिन उनको अपने पति की बात याद आ गई। डरना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना कि विश्वामित्र क्रोध में पागल हो जाए। पति की बात याद आई, उसने सोचा कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और रहना तो उसके साथ ही है। चल अपनी हिम्मत, एक बार तो देख शुभ मुनि सभी अप्सरा घबराए, पति अज्ञावश किंतु दूसरे क्षण में ही वो गरमाई। क्या बोले? कौन आप हैं हमें रोकने वाले, बस चुप रहिएगा, जो कुछ करना करे खुशी से, व्यर्थ न सुख में व्यर्थ न मुख से कहिएगा, साधु होकर भी ममता का पास नहीं मन से छूटा, घर ही रहते तो अच्छा था, मोहना उपवन का टूटा, मुनि बनकर हम सुंदरियों से क्या बातें करने आए, जाओ अपना काम करो, क्यों आते भी ना शर्माए। पूरी डोज डाल दी। इसको कहते हैं कि अग्नि कुंड में पूरा घी उड़ेल दिया, एकदम गरमाई। उन अफसराओं ने मोटी मोटी आंखें करके मजाक के लहजे में कहा, ओ कौन हो तुम,
होते कौन हो तुम हमें रोकने वाले? एक नेक सलाह देती हम तुमको कि अपनी जबान को चुप रखो और जो तुम्हें करना है ना कर लो। सारी दुनिया डरती है तुमसे, हम तो नहीं डरती। कर लो जो कुछ करना है, और करने वाले जबान से नहीं बोला करते, दिखाओ ना करके क्या है तुम्हारे अंदर। शर्म नहीं आती तुम्हें? साधु किसने बना दिया? क्योंकि साधुओं को ये शब्द बड़े बुरे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, बोलना मत किसी के आगे कि तुमको साधु किसने बना दिया। सीधा यहां लगते हैं, फिर साधु को तुरंत गर्म होने में देरी नहीं लगती। बस इतना जरूर कहता हूं कि मेरे इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग तुम मत करना, कभी तुम किसी के आगे करने लग जाओ तभी। पर लेकिन उनको तो गुस्सा दिलवाना था, कहा कि साधु होकर के भी अपने बगीचे से ममता नहीं छूटी। जब इतनी ममता थी तो अपने घर में रह लेते, ये साधु पने का ढोंग रचना जरूरी था क्या? एक सखी ने कहा, रे बहिना छोड़, ये इस बगीचे के लिए नहीं आए, तो हम जैसी सुंदरियों से मिलने के लिए आए हैं, हमसे बात करने के लिए आए, ये बगीचा तो इनके लिए बहाना है। हो ये वाली बात, यस। वर्षों हो गए होंगे किसी महिला का मुंह देखे हुए, आज मन कर गया होगा, फूलों के बहाने हमारे पास चले आए। तीसरी ने माथा पीटा कि अगर इतनी ही ममता है, इतनी ही रूप की लिप्सा है, तो मर जाओ कहीं डूब करके। क्या हुआ होगा, समझ गए होंगे आप। जिसके पास ताकत हो वो आदमी किसी की बर्दाश्त, जिसके पास तपस्या की सिद्धियां हो, लब्धियां हो, अनेक देवी देवता जिसे सिद्ध हो, उसको तो घमंड होता ही है। और जिसके अंदर घमंड होता है वो किसी की इतनी ऊंची बातें या इतनी ओछी बातें सुन नहीं सकता। और ऊपर से और किया, उनमें से एक ने रूप माधुरी मत अप्सरा मुनि को लज्जित करती है, ना भी विलंबित श्वेत कुर्चिका देख देख कर हंसती है। हंसी उड़ाने लगी, अरे 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 ढोंगी आ गया, अरे अरे पाखंडी आ गया। तीसरी ने कहा, देख इसकी दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी यहां से लेकर उसकी नाभि तक थी, उसकी दाढ़ी नाभि तक थी। होए रोम 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 रोम, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी लताएं जटाएं, ढोंगी कहीं का, पाखंडी कहीं का। ये मारे टांट और ये शब्द सुनते ही दिमाग सटिया गया, हो गया काम। कौशिक ऋषि के क्रोधानल की ज्वाला बड़ी उग्र भड़की, एक बार जो गगनागन में सत सत विद्युत हो कड़की, तपस तेज से देव योनि के कारण भस्म न हो पाई, साप ध्वनि प्रगटी तब से सा शांत प्रकृति थर्राई। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि आंखों से अंगारे निकलने लगे, क्योंकि तेजो लेशा की जरूर सिद्धि होगी उनके पास, आंखों से आग के अंगारे निकलने लगे, इतना क्रोध आया। लेकिन वो देवी थी, वो जल नहीं सकती थी, वो आग के अंगारे उन देवियों को छू करके नीचे गिर गए। जब देखा कि मेरी क्रोध की अग्नि काम नहीं करी, तब एक श्राप की ध्वनि निकली, श्राप दिया। क्या बोला? जिन हाथों से दुष्टाओं ये तुमने उपवन नष्ट किया, चारु वल्लरी फूल और फल तोड़े आश्रम भ्रष्ट किया, वे कुत्सित कर लतिकाओं में तप प्रभाव से बंध जाए, जीवन की अंतिम घड़ियों तक बंधे बंधे ही सड़ जाए। एक श्राप निकला, कहा कि जिन हाथों ने ये पुष्प वाटिका उजाड़ी है,
जिन हाथों ने फूलों को छुआ है, फूलों को तोड़ा है, फलों को तोड़ा है, इन हाथों को जरूर सजा दूंगा। तुरंत कमंडल से जल निकाला और मारा फेंक करके वहीं पर, और जो अप्सराएं विश्वामित्र की तरफ मुंह करके खड़ी थी, एकदम झटके से लताओं की तरफ मुड़ गई और उनके दोनों हाथ लताओं से चिपक गए और दोनों पांव जमीन से चिपक गए। और फिर उसने वेदना का संचार कर दिया, उसमें अप्सराएं तड़फने लगी दर्द के मारे, चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्योंकि ये कहते हैं तपस्या में करामात तो होती है, तपस्या कभी खाली नहीं जाती। वो बात अलग है कि तपस्या का उपयोग स्वयं के कर्मों को जलाने के लिए कर रहे हैं या दूसरों को जलाने के लिए कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन तपस्या एक अग्नि है, तपस्या एक करामात है, एक चमत्कार है। जिसने तपस्या की हो, चाहे घमंडी भी तपस्या करे, प्रभाव तो उसके पास भी होता है। ये बात अलग है कि उस तपस्या से उसका घमंड बढ़ जाता है, लेकिन कर्म और बढ़ जाते हैं। घमंड ना आए तो कर्म घट जाते हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन तपस्या का प्रभाव तो होता ही है, होता है। उन अप्सराओं ने दिव्य शक्ति संपन्न अप्सराओं की तनिक नहीं सकती चली, कोमल कर पल्लव बेलों से बंधे गर्व गरिमा निकली, बंधन मोचन हेतु उपक्रम किए अनेक न सफल हुई, लगी तड़फने हिरनी समवे भयाक्रांत हो विकल हुई। अब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और उन्होंने खूब मंत्र पढ़ लिए अपने, क्योंकि देवी देवताओं के पास भी मंत्र होते हैं, खूब मंत्र पढ़ लिए, किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। खूब बड़बड़ा ली, खूब बुदबुदा ली, दर्द में कोई कमी नहीं हुई। जब तड़फने लगी, अभी मोटी मोटी आंखें थी, अब उन आंखों से आंसू निकलने लगे, और विश्वामित्र की तरफ दीन भावना से, यानी हमें बचा दो, हमें माफ कर दो, ये आंखों से दर्द उभरने लगा। उनकी लाचारी देखकर, उनकी किनकी, अप्सराओं की, उनकी लाचारी देखकर और अपनी तपस्या का प्रभाव देखकर, आह, बोलने से कहां पीछे रहने वाले थे, कि अहंकार बोलता जरूर है, अहंकार कभी खामोश नहीं रहता। अपनी तपस्या की ताकत देखकर आहा, एक बार तो ये लगा कि एक एक टांग पे खड़ी होकर के जो मैंने तपस्याएं करी थी, आज वो तपस्या करना सार्थक हो गया। टेढ़े मेढ़े लोगों को सीधा कर दिया, जिनमें अकड़ थी उनकी अकड़ निकाल दी। अब ये नहीं सोचा कि उनकी तो अकड़ निकल गई, और वो अकड़ निकल करके कहीं तो आएगी, अकड़ कहीं की कहीं तो आएगी, है ना। अगर सामने वाले की अकड़ निकल जाए सामने वाले के सामने, तो तुम्हारी अकड़ निकलकर सामने वाले में घुस जाती है और उसकी अकड़ दुगनी हो जाती है। तो क्या बोला, बद्ध देख कर गर्व मत ऋषि, गर्ज उठे जैसे जलधर, देख लिया मैं कौन शक्ति क्या मेरी है जग में प्रलयंकर, तुमने तो समझा था क्या कर सकता है ये भिखमंगा, अब निज करनी कफल भुगतो व्यर्थ मचाया क्यों दंगा, बंधन तो क्या दंड तुम्हें मैं भस्म अभी कर सकता हूँ, अबला किंतु समझ निज करुणा भंग नहीं कर सकता हूँ।
तब मोटी मोटी आंखें, क्योंकि बाल आगे आगे आए हुए हैं, और जब बाल ऊपर की तरफ उठे तो अपनी आंखों को उठा करके अप्सराओं को कहने लगे, उनके मुंह में झांकने, उनकी आंखों में झांक करके कहने लगे, ओ कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रही हो, लग गया पता कि हमारे अंदर कितनी, तुमने तो मेरे कपड़े देखे थे कि भिखमंगा है ये, क्या कर सकता है, लेकिन हम शरीर से भिखमंगे हैं, लेकिन तुम्हें हमारी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। और सोना, जिंदगी भर सड़ोगी तुम, जिंदगी भर सड़ोगी इस दुनिया में, तीनों लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बंधन से मुक्त कर दे। तड़फो, और ये शुक्र समझो कि मैंने तुमको जला करके भस्म नहीं किया। जाओ और दन दनाते हुए चले आए। अब लाओ की क्रदन ध्वनि पर तरस नहीं कुछ भी आया, देख सफलता निज तप बल की गर्व अमित मन में छाया, राज मुकुट धन कंचन तजना सहज न कुछ भी जोर लगे, किंतु मान अपमान द्वंद में त्याग विराग तुरंत भगे, कोप और अभिमान उभय ने मुनि पद का समरस लूटा, अंतर में चिर रुद्ध राजसी वृत्ति स्रोत सहसा फूटा, गर्जन तर्जन करते वापस लौट गए मुनि आश्रम में, किंतु समाधि फिर लगनी थी फंस गए विकल्पों के भ्रम में। खूब रोई, लेकिन जब अंदर क्रोध होना तो किसी के आंसू किसी के दिल पर कोई असर नहीं डालते। जितनी रोई उतना ही घमंड आया महर्षि विश्वामित्र को, अपनी तपस्या की सफलता को देखकर बहुत घमंड आया। और बड़ी गजब की बात कही कवि ने, जो मैंने एक दिन कहा था कि राज मुकुट कंचन तजना सहज है, यानी राज गद्दी छोड़नी बहुत आसान है, राज मुकुट छोड़ना भी आसान है, लेकिन अंदर मान और अपमान को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कपड़े उतार देना आसान है, बाहर के कपड़े उतार देना आसान है, लेकिन अंदर के कपड़े उतारना बहुत मुश्किल होता है। दन दनाते गरजते बरसते अपने आश्रम में आ गए, अब लगे ध्यान करने। अब ध्यान कहां से लगे, ध्यान कैसे लगे, समाधि कैसे लग सकती है। और आप देखना, कभी गौर करना, जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत क्लेश किया हो आपने, और क्लेश करके तुम समायक लेके बैठ जाओ तो समायक में थारो मन लग गए ना, वही शब्द है, वही घटना है। समाधि आंख बंद करे, फिर यूं करे, क्योंकि वही शब्द सुनाई देते, वही क्रोध सामने आ रहा है, ओए होए। और इधर आज एक दोहा बोल रहा हूं, ये दोहे के चमत्कार है, ये दोहा आगे से चलता रहेगा साथ में। तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की अब सुनिए झनकार। तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार, तपस्या से भी ज्यादा अगर किसी में बल है तो किसमें, सत्य में बल है। अब घटना शुरू होती है यहां से कि हरिश्चंद्र की कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, एक बहुत बड़ा तपस्वी है
एक बहुत बड़ा सत्यवादी है। एक तरफ तपस्या की ताकत है और एक तरफ सत्य की ताकत है। तपस्या की ताकत वाला एक बहुत बड़ा सन्यासी है और सत्य की ताकत वाला एक केवल गृहस्थी है। ये जंग है, ये युद्ध भी है और एक हम लोगों के लिए सबक भी है कि सत्य की आराधना करने वाला एक गृहस्थी भी क्यों ना हो, वो तपस्वी साधु से कई गुना आगे होता है। उस तपस्वी से जिसको तपस्या हजम नहीं हुई, क्योंकि तपस्या जब हजम नहीं होती तो वो अभिमान में बदल जाती है, वो क्रोध में बदल जाती है, और सत्य जब हजम होता है तो वो विनम्रता में बदल जाता है, त्याग में बदल जाता है, प्रण में बदल जाता है। और इसलिए भगवान महावीर ने भी गृहस्थ लिंग सिद्धा कहा है कि गृहस्थ अवस्था से भी लोग मुक्ति के अंदर जा सकते हैं। मुक्ति में जाने के लिए साधु बनना ही जरूरी नहीं है, हाँ अंदर से सच्चा होना जरूरी है। बस अंदर का सच्चा होना चाहिए। जो सच्चा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो सच्चा है, और जो सच्चा होता है क्या क्या चमत्कार पैदा नहीं करने पड़ते, चमत्कार पैदा हो जाते हैं। अब हुआ यहां पर लक्षाधिक समय हुआ आपका, कल आप सुनेंगे कि राजा हरिश्चंद किस तरह उधर निकलता है और कल एक क्या घटना घटित होती है वो आपको भी पता होगी। पर लेकिन इस घटना के पीछे ताकत किसी है और इस घटना की ताकत को नकारने की एक असंभव असफल प्रयास कौन करता है, ये थोड़ा सा अंतर पता चलेगा। कल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। वीर नाम के हेरे मौते, गुरु नाम के हीरे मोते, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।